दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने राम मंदिर पर बुलडोजर वाली बात कहकर एक बार फिर से विवाद को जन्म दे दिया। अयोध्या में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी दी है और ये दावा किया है कि वह लड़की राम मंदिर की सफाई कर्मचारी। हालांकि अयोध्या पुलिस का कहना है कि घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उदित राज के पोस्ट पर कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की है और पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर की सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, क्या राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के नेता के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर भड़क उठे हैं और अयोध्या पुलिस से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने अयोध्या पुलिस को टैग करते हुए कहा कि ये व्यक्ति फेक न्यूज फैला रहा है और जनता की भावना भड़काने और माहौल बिगाड़ने की प्रयत्न कर रहा है, कृपया संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उदित राज को कई सोशल मीडिया यूजरों ने अयोध्या पुलिस का बयान दिखाते हुए कहा कि फेक न्यूज फैला रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि ये घटना राम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूरी की है और कुछ परिचितों ने अंजाम दिया, इसमें राम मंदिर को क्यों जोड़ा जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कैंट थाने के तहत दुष्कर्म की घटना के संबंध में भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं। अयोध्या पुलिस इसका खंडन कर दी है और पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है उससे ये सामने आया है कि वो अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने के लिए अलग अलग तारीखों पर गई हुई थी, तभी उसके साथियों ने उसके साथ दुष्प्रचार किया। 2 सितंबर को केस दर्ज किया गया। घटना में 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी हैं और पुलिस ने शारिक और 2 किशोर को रेप के आरोप में, विनय पासी और शिवा सोनकर उदित सिंह और सत्यम को शील भंग के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।